जी उस्मान आप बात करें, मैं देती हूँ आरिफ में देती हूँ। अल्लाह ताला करे कि वो मेरे साथ वापस आए, और अब उनको कब वापस आना है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मेरे केस के थ्रू, केस वो मेरा था लेकिन उससे ज़्यादा बेगुनाही मियां नवाज़ शरीफ की साबित हुई है, क्योंकि मियां नवाज़ शरीफ पर केस ही ये था कि जो जिस केस में वो बेचारों उनको सज़ा मिली है उन पर केस ही ये था कि प्रॉपर्टीज़ उनकी हैं जो उनकी नहीं निकली। और आज ये जो एनआरओ का राग अलाप रहा है ना, मुझे सिर्फ ये बताएं कि मैंने एक केस किया हो पैनामा का, उस वक्त तो बड़ा अदालतों में जाकर जब पैनामा का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था पूरी पीटीआई इमरान खान समेत फ्रंट रोज पे टांग रख के बैठी होती थी और अपने मनपसंद सहाफ़ी भी वहाँ बिठाए हुए थे, तो उस वक्त तो जाके रोज़ केस सुनते थे। अगर आपके पास आज कोई सबूत होता मैंने इमरान पर कोई केस किया होता तो मैं तो जब जज बार बार सबूत मांगते रहे तो मैं तो जाके कहती कि ये जज साहब ये सबूत पकड़े सजा दें नवाज शरीफ के खिलाफ। मेरे खिलाफ तो जज साहब बार बार सबूत मांगते रहे, वो सबूत नहीं मिला। और पैनामा केस वो केस था जब इमरान प्राइम मिनिस्टर था 2018 में, इन्हीं जस्टिस अतर में नल्ला ने और जस्टिस गुल औरंगजेब साहब ने वो केस उड़ा के रख दिया था पैनामा का। अभी इमरान प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने कहा ये केस बनता ही नहीं है, तभी तो जमानत मिली थी। तो आप उस केस को आप एनआरओ कह रहे, और नवाज शरीफ का रास्ता अब अल्हम्दुलिल्लाह साफ है, सिर्फ अब एक एप्लीकेशन देनी है कोर्ट में कि क्योंकि ये साबित नहीं हो सका जो उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था, तो वो हम देंगे एप्लीकेशन, लेकिन टाइमिंग का फ़ैसला अल्लाह ताला को पता है, मियाँ साहब आप खुद करेंगे, लेकिन वो बहुत जल्द अपने वतन वापस आएंगे। दूसरी बात आपने क्या की,